एक चेयर पास करो ना इधर, एक मिनट दीपक, वो छोटी वाली चेयर उधर से ले ले समीरा, एक मिनट यहाँ पर बैठ रही हूँ समीरा, तुझे अरे मेरे थोड़ा इधर इधर ये साइड में बैठना, हाइट छोटा है इसका, इधर बैठो चेयर ले ले और वो स्पून ऑन कर समीरा, मुंडी बचाना खाली इधर, ठीक है हाँ बराबर है, एक नंबर राजा भाई फोन दो, थोड़ा नीचे होके बैठना मेरे से, ये ठीक है ना भाई, बहुत अच्छा खेला, थैंक यू मिलन, लुक सेंटर में मिलन, रेडी गाइस रेडी, मिलन साइलेंस स्टार्ट, फिरोजा मतलब किस तरह से देखते हो अपने जर्नी को यहाँ तक, एविक्शन होना इतने वक्त के बाद, वाज इट फेयर फॉर यू, किस तरह से अपने एविक्शन को आप देखते हो और आप खुश हो फाइनली आप बाहर आ गए? हाँ डेफिनेटली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मतलब मुझे तो ऐसा लगा था कि पता नहीं शायद मैं बाहर आऊँगी या नहीं, यू नो मतलब बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर इट डेस्परेटली, फाइनली आई एम आउट एंड आई एम फीलिंग रिलीव्ड, आई एम हैप्पी, जर्नी मतलब ऐसा था कि बहुत ही पहले ऐसा था कि बम्पी रोड और फिर बीच में वो स्मूथ हो गया, फिर वापस से बम्पी रोड में आ गई, तो ऐसा उतार चढ़ाव रहा है काफ़ी, बट स्टिल आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस जर्नी। वेल जिस तरह से कहा जा रहा था कि मतलब काफ़ी बिग बॉस के घर वालों को भी क्यूरियोसिटी थी, बार बार आपको पूछा जा रहा था, तो हम भी जरूर पूछ रहे थे कि एग्जैक्टली अभिषेक के साथ इक्वेशन होना वॉज इट फॉर गेम और वॉज इट फॉर रियल, उसके बारे में अगर आप कुछ क्लियर कर दें चीज़ें। नहीं नहीं, इट वॉज नॉट फॉर गेम, इट वॉज नॉट फॉर गेम, डेफिनेटली इट वॉज नॉट फॉर गेम, अगर वो गेम के लिए होता तो शायद वो दिख जाता, बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेशंस हर एक चीज़ मैटर करता है, यू नो तो मुझे ऐसा नहीं लगा था कि वो लव एंगल बनाया जा रहा था पर्पसली, इट वॉज जस्ट हैपनिंग बिकॉज वी वर जस्ट गोइंग विद द फ्लो एंड या दैट्स इट। खानसादी आपको काफ़ी उन्होंने गलत बोला, उसके बावजूद आप उनके साथ जाके मिले अभिषेक के, यानी मतलब काफ़ी वायलेंस पर्सनालिटी है, काफ़ी लोगों को गलत कुछ बोला है अंदर, क्या कहना चाहोगे अभिषेक के बारे में? हाँ तो पहली बात तो उनको वो चीज़ रियलाइज़ हुआ और ये बहुत बड़ी बात है, यू नो किसी को अगर रियलाइज़ है अपनी गलती का और वो सुधार लाना चाहता है तो फिर डेफिनेटली उनको चांस ज़रूर देना चाहिए, और हर इंसान में होता है एक नेगेटिव साइड एक पॉजिटिव साइड, मुझ में भी है उसमें भी है हम सब में है, तो मैं उस चीज़ को वैसे देखूंगी एंड हाँ मतलब ठीक है कभी कभी हो जाता है, वो एक बहुत ही एक्सप्रेसिव इंसान है, वो हर चीज़ हर इमोशंस को खुल के एक्सप्रेस करता है, चाहे वो गुस्सा हो चाहे वो पागलपन हो चाहे वो उसका प्यार हो, तो मुझे लगता है कि उसको प्यार की बहुत ज़रूरत है, मतलब उसको नहीं मतलब ऐसे इंसान को जो बहुत ही ज़्यादा अपने इमोशंस को लेके एक्सप्रेसिव होते हैं। लेकिन खानजादी ये भी जानना चाहेंगे, आपने बार बार अभिषेक से एक ही बात कही कि बाहर कैसा लग रहा होगा कैसा लग रहा होगा, इसी वजह से होकर आपने नज़दीकियाँ नहीं बढ़ाई या कोई और इंटेंशन था नज़दीकियाँ नहीं बढ़ाने का? पता नहीं, मतलब मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गई थी क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही थी, यू नो एक तो मैं बहुत ही डिस्टर्ब थी अपना मेंटल हेल्थ को लेके, और फिर लोगों ने भी बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया था मुझे और अभिषेक को लेके, तो वो सारी बातें मुझसे नहीं सुनी जा रही थी, इसलिए मतलब मैं कॉन्शियस थी कि पता नहीं वो क्या लग रहा होगा बाहर, मतलब मेरी फैमिली भी है, पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे, मैं नेगेटिव लग रही हूँ या पॉजिटिव लग रही हूँ, तो मैं पूछती रहती थी कि कैसा दिख रहा होगा। खानदारी अगर हम बात करें आपकी, क्या आप आगे रिलेशनशिप बढ़ाएंगे अभिषेक के, क्योंकि जो जानकारी हमें मिली है अभिषेक काफ़ी थप्पड़ मारता है ईशा को, थप्पड़ काफ़ी मारा है उन्होंने घर पर, ऐसा खुद ईशा ने बताया, तो क्या आप तैयार हैं इस तरह के वायलेंस बिहेवियर झेलने के लिए, क्योंकि अभिषेक का इस तरह का है, मतलब खुद ईशा ने बताया घर के अंदर ही इज़ अ क्रिमिनल, ऐसा लोगों ने कहा है, इसके बारे में बात हुई, क्या कहना चाहोगे? ऑल्सो आप कितना अग्री करते हो ये ईशा की बात पर? देखिए पहली बात तो मुझे जिस गली जाना नहीं उस गली का नाम नहीं लेना है, तो मैंने नहीं सोचा है इतना आगे तक कि झेलना पड़ेगा या ऐसा कुछ, वो बिग बॉस के घर के अंदर जो भी था वो घर के हिसाब से था कि हम लोग एक ही जगह में थे, बंद थे, तो एक दूसरे को देखते थे, हमें अच्छा लगता था, सो वी वर स्पेंडिंग टाइम टुगेदर,
मैंने कुछ सोच के नहीं रखा है कि उसको मुझे झेलना पड़ेगा या फिर मैं डेट करूँगी या फिर यू नो जो भी उसका है. एंड डेफिनेटली किसी को अगर मैं डेट करना चाहूँगी देन आई विल मेक श्योर कि उस इंसान को मैं अच्छे से जानूँ. और ये इतनी छोटी बात नहीं है कि आप बस ये एक दो महीने में किसी को जान गए हो, ऐसा इट इज नॉट लाइक दैट, यू नो इट टेक्स टाइम, यू नो. खान साथी और एक